किस तरह से इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स और नट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बहुत ही अच्छा केक बनकर के रेडी हुआ है। एगलेस है, विदाउट रम है और आप इसे किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टी टाइम केक भी है ये। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस प्लम केक की रेसिपी विदाउट रम, विदाउट अल्कोहल। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं काली वाली किशमिश, जिनको सुल्तानास भी कहते हैं, रेजिन्स यानी कि सुनहरी वाली किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता और ड्राइड चेरीज। साथ ही यहाँ पर ली है मैंने टूटी फ्रूटी हाफ कप और बाकी आपको जो सारी मेजरमेंट से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इसको मैंने 1 कप यानी कि 200 ml ऑरेंज जूस में डाल दिया है और इसको मैं एक बॉयल लगाऊंगी क्योंकि मैं इंस्टेंट प्लम केक बना रही हूँ, तो इसको बॉयल करके हम सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने इन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो जब तक इनमें बॉयल आ रहा है मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 कप ऑल पर्पज फ्लार यानी कि मैदा, 1 tablespoon बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। यहाँ पर ली है मैंने 1/2 teaspoon इलायची पाउडर, 1/4 teaspoon है ड्राइड जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर और एक नटमेग है जिसको कि मैं थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए। 1/2 cup ऑयल लिया है यहाँ पर, आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, कैनोला ऑयल ले सकते हैं या फिर 1/2 cup बटर, 1/2 cup कंडेंस्ड मिल्क है। और यहाँ पर ली है 1 cup ब्राउन शुगर। आप ब्राउन शुगर अगर नहीं ले रहे, नॉर्मल चीनी ले रहे हैं तो उसको कैरमलाइज करके डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर लिया है मैंने 1 1/4 cup यानी कि 1/4 cup दूध, जिसमें कि मैं विनेगर डालूंगी, सरका डालूंगी। मैं यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ। यहाँ पर ये हल्का सा गर्म है, इसमें डाल दूंगी 2 teaspoon विनेगर यानी कि सरका, जिससे कि ये थोड़ा कर्डल हो जाएगा और बटर मिल्क का काम करेगा। अगर आपके पास बटर मिल्क हो तो आप बटर मिल्क यूज कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार हिला देंगे और इसको साइड पर रख देंगे, 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। 1/2 teaspoon वनीला एसेंस लिया है और 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। तो आइए हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए नट्स और ड्राइड फ्रूट्स में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो हम इसमें ब्राउन शुगर डाल देंगे ताकि ये भी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये भी जल्दी से घुल जाए और ड्राइड फ्रूट्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, तो इसे हम साइड पर रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम केक की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 cup मैदा में 1 tablespoon बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1 teaspoon बेकिंग सोडा डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें 2 बार छान लेंगे ताकि इनमें कोई लम्प्स ना हो। ये देखिए हम इसे छान लेंगे, एक बार और छान लेंगे इसे हम। इस तरह 2 बार छानने से इसमें बहुत ही अच्छे से हवा भर जाती है और केक अच्छा और लाइट बनता है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो मैं यहाँ पर 2 केक बना करके दिखाऊंगी आपको। एक केक बनाऊंगी मैं अवन में और दूसरा केक मैं पतीले में बना करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का केक टिन लिया है राउंड और ये 9 इंच का केक टिन है, लोफ पैन है ये। तो इनके लिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर कट कर लिया है जिसको कि मैं इस तरह से बेस में लगा दूंगी। कुछ बूंदे ऑयल के डालेंगे। तो पहले मैं इसे इसी तरह से ग्रीस कर लूंगी। इस तरह ग्रीस करने से केक चिपकेगा नहीं। इसको भी इसी तरह से अच्छे से ऑयल लगा करके ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर केक टिन के नाप का पेपर कट किया हुआ है, बटर पेपर, इसको हम इस तरह से बेस में बिछा देंगे। इस पर जब ऑयल लग जाएगा तो इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से चिपक भी जाएगा इस तरह। अब हम साइड में इस तरह से स्ट्रिप्स भी लगा देंगे इसमें और कुछ बूंदे हम ऑयल की इसमें चारों तरफ अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ऑयल की वजह से साइड में चिपक गया है। तो केक टिन रेडी है, इसके बेस में भी ये जो हमने पेपर कट किया है इसको चिपका देंगे और इसको भी पलट देंगे ताकि इस पर ऑयल लग जाए और ये नीचे की तरफ से भी ग्रीस हो जाए। ये देखिए इसमें यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का मैदा डस्ट कर देंगे चारों तरफ, इससे भी केक चिपकेगा नहीं। इसमें आप मैदा की जगह कोको पाउडर भी डस्ट कर सकते हैं अगर आप चॉकलेट केक
केक बना रहे हैं तो ये देखिए मैदा चारों तरफ डस्ट हो गया है, तो हम इसको रख देंगे। अब हम केक का बैटर बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले हम पतीले और अवन को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला ले लिया है जिसमें कि एक केक टिन मैंने उल्टा करके रख लिया है और इसको हम प्रीहीट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको ढक दूंगी और इसे लो टू मीडियम हीट पर 10 मिनट के लिए गर्म होने दूंगी। तो हम इस पर ये टॉवल रख देंगे ताकि हीट इसी के अंदर रहे। तो मैंने पतीला प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, साथ के साथ मैं अवन को भी 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दूंगी। तो आइए केक बैटर बना लेंगे। हमने ड्राइड इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। इसमें डाल देंगे ये ड्राइड जिंजर पाउडर, इलायची पाउडर, अगर आपके पास चाय मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ा सा ये जायफल को ग्रेट कर दूंगी मैं। मैंने यहाँ पर एक चौथाई जायफल जो है वो ग्रेट कर दिया है और इनको हल्का मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे दो चुटकी नमक, नमक से इसका जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने फ्रूट्स को सोक किया था, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको भी इसमें डाल देंगे। इनको मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने कंडेंस्ड मिल्क लिया था, ये भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम इस बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए डालेंगे इसमें ये जो हमने मिल्क और विनेगर का मिक्सचर रेडी किया था, वो हम उतना ही ऐड करेंगे जितना कि हमें ज़रूरत होगी। तो मैं इसमें पहले आधा मिक्सचर डाल रही हूँ, इसको मिक्स करेंगे, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बाकी का मिल्क भी डाल देंगे, बस ध्यान से मिक्स करें, ओवर मिक्स ना करें, क्योंकि अगर ये बैटर रनी हो गया, पतला हो गया, तो फिर ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं ये नीचे बैठ जाएंगे, तो फिर केक उतना अच्छा नहीं बनेगा। ये प्रॉपर मेजरमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर 200 ml का कप यूज़ किया है। और लास्ट में इसमें अब हम मिक्स कर देंगे वनीला एसेंस। तो ये देखिए बैटर लगभग रेडी है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ये हाफ कप ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयल से ज़रा केक जो है वो मॉइस्ट रहता है, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम केक बैटर को टिन्स में डाल देंगे। पहले मैं ये राउंड वाले केक टिन में डालूंगी। इसको हम हाफ ही फिल करेंगे, ज़्यादा फिल नहीं करेंगे, क्योंकि केक जो है वो फूलेगा भी। ध्यान रखिए इसको बिल्कुल भी ज़्यादा फिल ना करें, अगर ज़्यादा फिल करेंगे तो केक निकल कर बाहर आ सकता है। तो एक केक टिन रेडी है, इसको टैप कर देंगे और दूसरा वाला केक टिन में भी बैटर डाल देंगे। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए दोनों केक्स रेडी हैं। और यहाँ पर मैं इन पर ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का क्रंच जो है वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब ये वाला केक मैं पतीले में रख दूंगी बेक होने के लिए। पतीला भी प्रीहीट हो चुका है, इसको हम रख देंगे इस पर। आप चाहें तो कोई पतीले वाला स्टैंड रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पर केक को रख दिया है बेक होने के लिए और इसको हम ढक देंगे और उस पर टॉवल भी ज़रूर रखेंगे ताकि इसमें से हीट जो है वो ना निकले। इसको लगभग 30 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे लो टू मीडियम हीट पर और हम एक बार 20 मिनट्स के बाद इसको चेक करेंगे। और अब हम रख देंगे दूसरा केक बेक होने के लिए। तो यहाँ पर हम ओवन में रख देंगे केक को बेक होने के लिए मिडल रैक पर और इसको भी 25 टू 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 30 मिनट्स पर सेट कर दिया है ओवन को। ये देखिए 180 डिग्री पर ऊपर और नीचे के दोनों रॉड्स ऑन हैं। यहाँ पर मैं कन्वेक्शन मोड पर बेक कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ये ऊपर नीचे रॉड जिसमें बनी होती है इस मोड पर भी बेक कर सकते हैं। तो इसे बेक होने देंगे। ये देखिए केक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और इसको बेक होते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने इसे बीच में एक बार चेक किया था, वो ये पूरी तरह कुक नहीं हुआ था, तो हम इसको एक बार और चेक कर लेंगे। टूथपिक जो है बिल्कुल क्लीन निकल करके आई है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब हम पतीले वाला केक भी चेक कर लेंगे। वाओ,
तो मैंने इसे 35 मिनट्स के बाद चेक किया था, बट ये पूरी तरह से कुक नहीं हुआ था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना रेज हुआ है ये केक, कितना ऊपर तक आ गया है। तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे सेंटर से। तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल करके आई है, इसका मतलब केक रेडी है। तो हम इसे भी निकाल लेंगे। तो मैं आपको दोनों केक का टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दोनों केक्स रेडी हैं और बहुत ही बढ़िया केक्स बन करके रेडी हुए हैं। और इन्होंने आप देख सकते हैं कि साइड्स भी छोड़ दी हैं हल्की हल्की, आप देख सकते हैं केक टिन की। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। दोनों केक्स को बेक होने में लगभग 40 मिनट्स का टाइम लगा है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया केक बन करके रेडी हुआ है। अभी ये गर्म है तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो अब हम दूसरा केक भी निकाल लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी हुआ है। ये देखिए, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। और मैं इसका जो साइड से पेपर है उसे निकाल दूंगी। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया और मॉइस्ट केक बना है। तो ये देखिए, ये वाला केक भी ठंडा हो चुका है। देखिए कितना इवनली बेक हुआ है केक और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, बहुत ही बढ़िया केक बन करके रेडी हुआ है। तो हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। अभी ये गर्म है इसलिए क्रम्बल हो रहा है, सो नो वरीज। तो इसको थोड़ा ठंडा करके कट करती हूँ मैं। और ये है हमारा दूसरा केक, इसको भी कट कर लेंगे। ये भी अभी गर्म है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट मॉइस्ट केक बन करके रेडी हुआ है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसमें नट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, बहुत ही यमी दिख रहा है। तो हम इसके स्लाइसेस भी कट कर लेंगे। ये देखिए, इसमें किस तरह से सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इस टाइम इसमें से धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि ये केक काफ़ी गर्म है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ठंडा करने के बाद ही कट करें, क्योंकि अगर आप इसे गरम गरम कट करेंगे तो ये टूटने लगता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। देखिए किस तरह से इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स और नट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बहुत ही अच्छा केक बन करके रेडी हुआ है। एगलेस है, विदाउट रम है और आप इसे किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टी टाइम केक भी है ये। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय द रेसिपी। स्टे ट्यून्ड विद खाना अनपसंद। बाय।